भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों ने एक साथी मोबाइल चोर को पकड़ा। कटुआ पकड़ने हेतु राजेश कुमार रेलवे स्टेशन परिसर में सोया हुआ था, तभी मोहम्मद अफजल नाम के चोर ने उसके जेब से मोबाइल निकाल लिया, जिसके बाद उनके बगल में लेटे प्रदीप कुमार ने उस चोर को दबोच लिया। पीड़ित सिमरिया से अपने घर ललक ममल खान जाने वाला था। जैसे ही सबों ने मिलकर चोर को पकड़ा, तभी मोहम्मद अफजल ने उस मोबाइल को फिल्मी स्टाइल में किसी दूसरे लड़के को दे दिया, जिसके बाद पूरे स्टेशन परिसर में काफी हंगामा हुआ और चोर की जमकर धुनाई कर दी गई। बहरहाल मोबाइल चोर को अग्रतर कार्रवाई हेतु आरपीएफ ने अपने हिरासत में ले लिया है। नहीं बैठो उसको बोलो। नहीं बैठो। कितना हमारे पास भाई? हम तेरे को दे रहे, जब बोल दिया दे रहे, हम दिलवा रहे। अभी बात यही तो कर रहा है, कभी वो तो कर रहा है। पागल बना रहा आपने। वहाँ दिलवा रहे भाई? यहीं पर दुकान है। दुकान है? तुम मोबाइल तो रहे हो? नहीं सर, हमने लिए हैं। कटा लिया तो पकड़ लिया। निकाल के ना दिया तुम उसको मोबाइल? अरे हाँ, निकाल के दिया ना तुम मोबाइल? हम ना देखे भैया, हमारे ना भी मुंह तोड़ के बैठा दोस्त ने घर के मोबाइल के सामने ठीक बैठा। उसी वजह हम सोचे नहीं सर चोरी कर लेगा। बैठा थोड़ी देर, बैठे हम इधर थोड़े नजर दिए, जैसे फोन खींचा भागने लगा। उसके बाद हम उसको बोले जगाएं इसको, भाग रहा है भाग रहा है। उसके बाद रगे दें उसको पकड़ कॉलर मोबाइल मोबाइल इसके साथ में एक लड़का था और किसको दे दिया पता नहीं चला। तुरंत उसको पकड़े स्टेशन में सर, कटवा पकड़ने के इंतजार में जो है सो गए थे। मोबाइल सर हम सोए हुए थे, पैकेट से निकाल लिया, लेके भाग रहा था। उसी में दूसरे आदमी बोला गया यही लिया है। अब मेरा आदमी भी देखा ये वाला चोर। अच्छा, भागलपुर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु जिला प्रशासन लगातार एक से बढ़कर एक तरकीब अपनाती नजर आ रही है। पूर्व में वन वे प्रणाली अपनाई गई, फिर ऑनलाइन चालान प्रणाली लागू की गई और मुख्य मार्ग पर यातायात सिग्नल की व्यवस्था की गई। जाम से निजात हेतु टोटो चालकों के लिए कोडिंग के आधार पर रूट निर्धारित किया गया। हालांकि सारी तैयारियां कहां तक सफल है वो भली भांति सर्वविदित है। आज जो दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे हमारे देश के युवाओं का गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिसमें भागलपुर जिले के यातायात जवानों को भी चुनाव कर्तव्य पर लगा दिया गया है। पर आम लोगों की दिनचर्या तो वही है, सड़क पर निकलना, बाजार जाना व अन्य क्रियाकलाप। स्मार्ट सिटी भागलपुर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त व सुचारू रूप से चलाने हेतु आज करीब 36 एनसीसी कैडेट्स को लगाया गया। सभी एनसीसी कैडेट्स घंटाघर चौक, कोयला डिपो, मनाली चौक, कचहरी चौक, जीरो माइल आदि जगहों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे रहे। वे कहते हैं कि आज ही हम लोगों को वर्दी की कीमत का एहसास हुआ और काफी खुशी हो रही है। इलेक्शन ड्यूटी में सारे चल गए, तो इसीलिए उन लोगों के लिए जगह जो खाली है ये जाम देखा जाता है। इसलिए हम लोग को बोला गया कि सबको आकर के ड्यूटी करना है, सदा सहयोग करना है। अभी सब कुल मिलाकर के सर 36 बन गया है। हम लोग वर्दी का जोश तो अभी हमें पता चलता है कि क्या है। अच्छा, तो सभी का हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं अपना मन से। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को लेकर राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग भागलपुर एवं जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर की संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली NHSC लैलक से होते हुए सबौर तक निकाली गई। इस जागरूकता रैली में सड़क दुर्घटना से कैसे बचना है उसको लेकर ट्रक ड्राइवर, चार पहिया चालक, दो पहिया चालक सहित स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही समिति के सदस्यों के द्वारा किस तरह सड़कों पर ट्रक ड्राइवर को चलाना है उसको लेकर समझाया भी गया। इसके साथ ही मॉक ड्रिल कर भी आम को दिखाया गया, यदि आपके सामने किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में वो घायल हो जाते हैं तो तुरंत किस तरह से उनका उपचार करना है और घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाना है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि कई दिनों से पता चल रहा है कि लगातार NHSC पर सड़क दुर्घटना के लोग शिकार हो रहे हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी इस सड़क दुर्घटना में गंवा दी है, जिसको लेकर आज हम लोगों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस तरह की रैली निकालने का मुख्य मकसद यह है कि लोग जागरूक हो और सड़कों पर जो वाहन चालक अपने वाहन को ज्यादा स्पीड में चलाते हैं वो ना चलावे, क्योंकि अधिक स्पीड में चलाने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे सड़क दुर्घटना हो जाती है। आगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने यह भी कहा कि हरदम बड़े वाहन के ड्राइवर अपने सामने चल रहे छोटे वाहन को भाई के समान माने, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बड़े वाहन से छोटे वाहन में टक्कर होता है जिससे छोटे वाहन काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। समिति के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा, सिर्फ जनता और जिला प्रशासन का सहयोग मिलता रहे। राष्ट्रीय उच्च पथ भागलपुर और जीवन जागृति सोसाइटी ने संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया और हम लोगों ने पैदल मार्च किया। सबौर से निकलते हुए हम लोगों ने इस इंगेश्वर का गांव में हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और हम लोगों ने लोगों को जागरूकता संदेश दिया कि लोग सड़क पर जब चलें तो सावधानी का साथ नहीं छोड़ें, आप सावधानी रखेंगे तभी आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, नहीं तो जाना था घर पहुँच जाएंगे अस्पताल। और बड़ी गाड़ियों से खास करके ट्रक ड्राइवरों से निवेदन है कि वो कृपया छोटे गाड़ियों को अपना छोटा भाई समझे और उसके सुरक्षा का ध्यान रखें। आज राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं जीवन जागृति संस्थान के तत्वावधान में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही लोगों को भी जागरूक करना इस ओर बहुत जरूरी था कि लोग जो है अपने लेन में चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ओवरटेकिंग नहीं करें, ओवर स्पीडिंग से अपने आप को बचा के रखें, हेलमेट का प्रयोग करें। इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया है। भागलपुर में पिछले दिनों जिला विधिक संघ में चुनाव हुआ था। चुनाव परिणाम स्वरूप नव निर्वाचित अध्यक्ष व सचिव की घोषणा हुई। आज नव निर्वाचित सहायक सचिव पद की घोषणा हुई। इस पद पर 3 नव निर्वाचित सहायक सचिव की विजय हुई, जिसमें चंदन कुमार कर्ण, पिंकी किशोर और अनिता कुमारी शामिल है। इस मौके पर जिला विधिक संघ में विजय प्रतिभागियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया, साथ ही सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। वहीं विजय प्रतिभागियों में जिला विधिक संघ के विकास की बात कही गई। वहीं विजय प्रतिभागियों ने कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वार अटेंडर, शौचालय की व्यवस्था, महिला अधिवक्ताओं को विशेष सुविधा और अन्य सुविधाएं जो पूर्व में नहीं थी, सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। आपके विरोध में कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है। सबसे ज्यादा मेरा जो रहेगा महिलाओं का, महिलाओं का यहाँ शौचालय ये सबको बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारा मुद्दा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ विधि, जो जिला विधिक संघ है, इसको स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करूंगा। यहाँ जो जो असुविधा थी उसे करूंगा पूरा और अधिवक्ता के कल्याण के लिए जो भी कार्य होगा उसे पूरा करते रहूंगा। इस बार का जो चुनाव था भ्रष्टाचार पे प्रहार का था, काहे कि 6 साल से लगातार जो है DBA में भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसको देखते देखते हम लोग उब गए थे और आम अधिवक्ता भी इससे परेशान थे। चुनाव तो पूर्व में हो चुका था और स्क्रूटनी भी हो गया था। आज वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का गिनती काउंटिंग हो रहा है, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्रेटरी में हमारे 3 मेंबरान का जीत हुआ है, जिसमें पहला पिंकी किशोर है, दूसरा चंदन कर्ण है, तीसरा सुनीता जी का है। नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल करने के बाद नगर परिषद के ठेकेदार कल्पवरु कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार मृत्युंजय कुमार, नगर परिषद सुल्तानगंज के स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार भगत, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे मौके पर पहुंचे और नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मियों को समझा बुझाकर मामला को शांत करते हुए 30 मई तक सफाई कर्मियों को PF देने की बात कही, जिसके बाद सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौट आए। 18 महीना कई कई का धोखा मारे थे,
इसीलिए आप लोग हड़ताल किए हैं? हाँ वही हड़ताल किए हैं। हाँ कितना दिन है हड़ताल का? यार 3 दिन हुआ। तीन दिन हुआ। तीसरा दिन हड़ताल का? हाँ। क्या नाम हुआ? हमको पैसा दे दीजिए पियाबला तब यह हड़ताल तोड़े। मेरा बच्चा पुत्री सही जगह पर जाता है, नहीं पढ़ता है, नहीं लिखता है, कहूँ कुछ नहीं होता है। जब से ठेकेदार आया है हम लोग को बिजलियाँ पढ़ा रहा है। क्या यहाँ बोलते हैं तो कहता है कि यहाँ मैंने गुंडागिर्दी करता है, यहाँ 10 को घटाया जाएगा, यही सब बोलता है। पीओ के बारे में खाली यही बिजली आज देंगे, कल देंगे, 20 को देंगे, 25 को देंगे, स्कूटी भी जानता है पूरा, लेकिन नहीं मिला। नहीं अभी तक नहीं मिला, सभापति भी जानता है बात को।